ओम शांति नमस्ते मैं आपकी होस्ट शिवानी द्विवेदी आपका इस प्रोग्राम माय इंडिया हेल्दी इंडिया टॉक शो में स्वागत करती हूं। हम इस एपिसोड को आगे बढ़ा रहे हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमने लास्ट एपिसोड्स में डिस्कशंस किया है और आज हम अलग विषय में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे सामने जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पा पांडे मैं आपका इस शो में स्वागत करती हूं मैम नमस्कार ओम शांति ओम शांति डॉक्टर पुष्पा पांडे एक लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में उन्होंने काफ़ी केसेस देखे हैं और उन्हें सक्सेसफुली ट्रीट भी किया है और क्योंकि हम महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि आज की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है स्पेशली स्वास्थ्य समस्याएँ लास्ट एपिसोड्स में हमने मेनोपोज के बारे में डिस्कशंस किया था इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं यूजुअली ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करती हैं डॉक्टर्स को नहीं दिखाती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं तो आइए इस विषय में हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर पुष्पा पांडे मैम से मैम आप हमें ये बताइए कि पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग होती क्या है अगर एक आम भाषा में हम समझना चाहें तो ये है क्या बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि जब मेनोपॉज हो जाता है जी। जैसे एवरेज एज 45 होती है और एक साल तक मान लो उसको ब्लीडिंग नहीं होती है और एक साल बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग कहते हैं क्योंकि okay. मेनोपॉज के बाद पोस्ट लेकिन अगर एक साल के पहले mm -hmm. ब्लीडिंग होती है तीन महीने में चार महीने में छह महीने में तो उसको हम पोस्ट मेनोपोजल तो और पोस्ट मेनोपोजल दो अलग अलग अलग-अलग दो अलग दोनों है पेरी मेनोपोजल अलग है अलग पेरी है, है। है। मेनोपोजल मतलब एक लंबा समय ट्रांजिशन पीरियड होता है जी जी तो उसमें स्टार्ट होता है थोड़ा पहले से ही स्टार्ट हो जाता है मतलब जैसे मेनोपोज होता है उसके पहले से इरेगुलर जो पीरियड होते हैं वो पेरीमेनोपोजल में होता है ये दो साल तक ऐसे चल सकता जी, है बिल्कुल बिल्कुल हाँ पेरीपोजल ब्लीडिंग को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उस समय किसी किसी को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और लोग उसको इग्नोर करते हैं तो उस समय इग्नोर नहीं करना चाहिए उस समय भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि वो ब्लीडिंग बाद में हो सकता है कि आपको मेनोपॉज हो जाए क्योंकि उस समय तो आपने तकलीफ सह लिया डॉक्टर को भी नहीं दिखाया कोई जांच भी नहीं कराई हाँ क्योंकि सोचा कि अब जैसे आम लोग कहते हैं ना हमारी गांव की महिलाएं तो वैसे ही कहती हैं कि अरे महावारी खत्म हो रही है ना तो ब्लीडिंग तो होगी है कहीं को चिंता करती हो तो दूसरे को भी नहीं बताएंगे तो वो अपनी महिलाएं आपस में चर्चा करके वो बस वहीं स्टॉप हो जाती है लेकिन जब भी ब्लीडिंग होती है वेरी हैनोपोजल ब्लीडिंग भी एक साइन हो सकता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं कि जो पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग जैसे मान लो दस साल बाद आते हैं दस साल बाद पोस्ट मेनोपोजल की प्रॉब्लम हुई तो उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपका जब मेंसेस खत्म हो रहा था तो उस समय भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या आपको ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी तो अधिकतर लोगों में हिस्ट्री मिलती है कि जो पेरीमेनोपोजल जो ब्लीडिंग थी अर्थात जो मेनोपॉज था वो उनका स्मूथ नहीं था तो okay. तो उस समय भी भी बहुत है 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 कि कि उसके भी, उसके कारण कारण तो होते हैं लेकिन सबसे मेन जो हमको प्रिवेंट करना है, वो कैंसर जी मुझे ऐसा लगता था ब्लीडिंग मतलब जब बंद होता है तो शायद उससे पहले ब्लीडिंग थोड़ी कम होनी चाहिए बिल्कुल बट ये तो ज्यादा बता रहे हाँ, ये तो ज्यादा बता रहे तो पैथोलॉजिकल है डेफिनेटली एक एरिया ऑफ कंसर्न चीज में ध्यान देना और एक्चुअली थोड़ी कम हो जानी चाहिए हाँ ना हाँ कि बढ़ जानी चाहिए बढ़ चाहिए बिल्कुल सही कहा तो इसी टाइम पे हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कुछ प्रिवेंशन लेना चाहिए या कुछ ध्यान देना चाहिए अगर हमें ऐसा लग रहा है कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जब हमारे उम्र का पड़ाव थोड़ा कम हो रहा है उसमें अगर ब्लीडिंग बढ़ रही है तो हमें किसी गायनोकोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिस्ट को तो वैसे ही स्टेज में ही चेकअप कराना जी, चाहिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना क्यों, में ही, जैसे स्टार्ट ही हो गया उसके पहले ही कुछ टेस्ट हमको जरूर कराने चाहिए मेनोपोज के पीरियड में है ना उसके पहले थर्टी ईयर से पैप स्मेयर हर लेडी को कराना चाहिए पैप स्मेयर भी करा सकते हैं या दूसरे टेस्ट होते हैं एक आजकल बहुत अच्छा टेस्ट आया है जिसको ह्यूमन पेपुलोमा वायरस एच वायरस अच्छा एच पी वायरस जो टेस्ट होता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है अगर अच्छा। हर पाँच साल में कराते हैं और अगर वो निगेटिव होता है अच्छा। तो इसका अर्थ होता है कि बाद में कैंसर की संभावना कम है क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर सर्विक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है तो उसमें अगर हम ये एच वायरस कहलाता था एक तो हमने बताया पैप स्मेर बताया दूसरा एच वायरस एचपी वायरस okay. जो टेस्ट होता है इसको हम करते हैं तो इसको पांच साल में किया जाता है और स्मेयर जो होता है वो हर तीन साल में किया जाता है तो बेसिकली एक प्रिवेंशन है अगर ये टेस्ट कर ये तो हमें पता चल जाता है कि इस बीमारी का आगे होने के चांसेस कितने हैं या नील है वो भी, हाँ, भी नहीं है हाँ। हाँ। लेकिन वो रिपीट तो करना पड़ता है एवरी फाइव ईयर साल में एवरी ईयर रिपीट करना पड़ता है जी और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या कर सकते हैं तो फिर तो आपको मतलब चांसेस है तो फिर एक रेगुलर चेकअप फिर रेगुलर चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी फिर हमको पांच साल में नहीं कराते फिर हम हर साल कराते हैं अच्छा। जैसे मान लीजिए एचपीवी वायरस है ना तो इसके प्रति भी जागृत बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है okay. मान ऐसा जरूरी नहीं है कि एचपीवी वायरस पॉजिटिव आ रहा है तो उसको कैंसर होगा ही उसको फॉलो करना पड़ता है जी जी। कि अगर हो सकता है वो वायरस अपने आप ही खत्म हो जाए तो एक साल बाद फिर हम उसको रिपीट करते हैं अगर निगेटिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर उसके बाद और ट्रायस टेस्ट जिसको कहा जाता है मतलब कि और भी ज़्यादा हम टेस्ट करते हैं तो आ, हमारे दर्शकों को सुन के लग रहा होगा ये कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है <laughs> लेकिन ये बहुत आसान टेस्ट होते हैं हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आज ऐसे पैथोलॉजी से जो डॉक्टर होते हैं सिर्फ जैसे अंदरूनी जांच करते हैं अंदरूनी जांच के बाद एक ब्रश से सिर्फ आपका थोड़ा सा स्मियर लिया जाता है थोड़ी पानी ली जाती है उसकी स्लाइड बनाई जाती है स्लाइड बनाया जाता है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा जाता है तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं कि पता नहीं पैप स्मेयर टेस्ट ही क्या बार बार कर रहे हैं कि कोई सी बड़ी पता नहीं <laughs> हमको क्या बता रहे हैं नहीं बहुत सिंपल टेस्ट होता है सिर्फ डॉक्टर आपकी थोड़ी सी जाँच करेगा थोड़ा सा आपका स्लाइड स्मेयर uh, बनाएगा एक स्लाइड लेगा और उसमें स्मेयर बना के वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे बहुत सरल होता है और एच टेस्ट के लिए भी कुछ खास नहीं करना पड़ता है उसको ही एक लिक्विड लिक्विड आता है उस में उसको डाल देते हैं और पैथोलॉजी में भेज देते हैं तो कोई भी इसमें तकलीफ भी नहीं होती कई महिलाओं को हम कहते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बहुत कठिन है भाई और हमको बहुत तकलीफ होगी पता नहीं आप क्या कर दोगे तो हमें नहीं कराना है पर मैम तो, स्वास्थ्य से संबंधी ये बहुत जरूरी होता है कि हम प्रिवेंशन करेंगे और अपने आप में और ज्यादा परेशानी और दिक्कत का एक सबब हो सकता है तो ये प्रिवेंशन तो अगर है। ये टेस्ट प्रिवेंशन हाँ। है तो ये बहुत अच्छे हैं और एक एज के बाद वैसे भी हमें एक रूटीन टेस्ट में जाना ही जाना ही चाहिए तो जैसे आप प्रिवेंशन की बात ये तो एक टेस्ट हुआ ये तो हमें आ, करवाना ही चाहिए उसके साथ पेर पीरियड में कुछ कुछ हारमोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको टीएसएच भी कराना चाहिए होता 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 है होता है अच्छा, है संबंधी हाँ, होता होता क्योंकि इस समय जैसे मेनोपॉज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि बॉडी में सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें एक सिस्टम जो होता है ये एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी होता है तो उसमें ये आता है ना अपना हार्मोन आता है जो कि टीएसएच होता है और इस लेवल को भी कराना चाहिए इस समय डायबिटीज की भी संभावना होती है है ना अच्छा। कि अगर आपका शुगर भी बहुत ज्यादा है तो उसका भी इफेक्ट होता है okay. ये में, आ, में आते हैं, में। हम सिर्फ हार्मोन ही नहीं हमें तो वो एक मिलकर एक ज्यादा बिल्कुल के समय और भी आगे जो लिपिड प्रोफाइल भी जरूर कराना चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज हो जाता है जी जी। तो ये भी जरूर कराना चाहिए तो फिर मेनोपॉज या मेनोपॉज के समय भी हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि ये जांच हमें रेगुलर कराएं एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड भी रूटीन कराता है अल्ट्रासाउंड टेस्ट अल्ट्रासाउंड टेस्ट एक टेस्ट होता है नॉन इसको कहते हैं मतलब एक्सरे जैसा नहीं होता है ये और आजकल तो वैसे सभी अल्ट्रासाउंड के लिए कोई नई बात नहीं जी, है जी, क्योंकि जी। वो सभी कराते हैं वो है ना क्योंकि हर लेवल पर जितने लोग की प्रेगनेंसी हुई होगी उन्होंने अपने बच्चे के लिए कराई हुई होगी या ये बात तो आप ठीक कह रहे हो कि अल्ट्रासाउंड जब हमारे पास कई जो पेशेंट्स आते हैं तो वो तो डायरेक्ट आते हैं और कहते हैं मैडम हमारा तो अल्ट्रासाउंड कर दो पहले से ही लेकर आते हैं

कैंसर नहीं होता है लेकिन टेन परसेंट तो कैंसरस होता है ना जी कैंसर में आप टर्म ही आपने <laughs> एक डर लग, लग जाता है एक डर लग जाता है कि कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली आजकल ये टर्म्स बहुत यूज हो रहे हैं मतलब जनरल पॉपुलेशन में सब एक सुनकर ही थोड़ा सा लगता है ये कैंसर कैंसर तो पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग में कैंसर होने के चांसेस होते है हैं कहना चाह रहे टेन परसेंट रहता है नाइनटी अच्छा। परसेंट तो और हम डिफरेंट कॉज कोई पहला तो एक वेजाइना जैसे हमने बताया इन्फेक्शन भी होता है इन्फेक्शन तो होता है लेकिन इस एज में एंडोमेट्रियम चाहे एंडोमेट्रियम हो या वेजाइना की अपिथीलियम हो वो एट्रॉफी हो जाती है और एट्रॉफी होने के कारण वेजाइना से भी आ, कभी कभी आ, थोड़ा सा हेमरेजिक पैटर्न देखने लगता है अच्छा। तो वो क्योंकि थोड़ा सा फ्राइबिल टाइप का हो जाता है ना तो उससे ब्लीडिंग होती है तो ये सनाइल कहलाता है एज के अनुसार होता है उसमें, यही उसमें एक, होता है। एक बहुत बड़ा कॉज होता है दूसरा एंट्रोमेट्राइटिस जैसे कहा कि इस एज में एक पायोमेट्रा भी जो हो जाता है क्योंकि मान लो अगर ये ब्लॉक हो गया है ना यूट्रस होता है है ना और उसका ब्लॉक हो जाता है कभी कभी क्योंकि एज हो जाती है ना ज्यादा तो सब एट्रोफी हो जाती है तो वहां पर इन्फेक्शन के कारण वो कलेक्ट हो जाता है उसको पायोमेट्रा कहा जाता है हु? क्या कलेक्ट हो जाता है पायो पस, पस जैसे पस बन जाता है, है ना जाता फ्लूड कलेक्ट हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो गया एंडोमेट्राइटिस हो गया तो सारा वो पस हो जाता है उसको पायोमेट्रा कहते हैं अच्छा तो ये भी इस एज में बहुत कॉमन है उसके कारण भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है ये है हाँ, हाँ, ये, वन ऑफ द रीजंस है है एक और एक जो होता है मतलब पॉलिप। पॉलिप होता है चुटी -चुटी चुटी चुटी जो गठाने होती है छोटी छोटी जो ना तो वो छोटी गठान भी कभी बन जाती है एंडोमेट्रियम के उसमें उसमें भी हो जाता है ब्लीडिंग हो जाती है इस एज में भी कभी कभी फाइब्रॉइड हो सकती है गठाने वैसे तो संभावना मिडिल एज में ज्यादा होती है लेकिन इस एज में भी गठान हो सकती है उसके कारण भी हो सकता है और साथ ही साथ गैंसर. गैंसर तो तो कैंसर अब अगर कैंसर आए तो कैंसर के पहले एक बात और मुझे याद आई कि जैसे हमने पहले पिछले इसमें भी बात की थी कि हॉट फ्लशेस होता है है ना हॉट फ्लशेस मेनोपॉज के टाइम पे मेनोपॉज में जो तकलीफ होती है ऐसे तो हम हार्मोन कभी देते नहीं हैं लेकिन जब हॉट फ्लशेज होता है तो हॉट फ्लशेज में हमको हार्मोन देना पड़ता है जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं और इसमें हम इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन देते हैं बाहर से हम बेस बाहर से देते हैं बाहर से देते जी। हैं।, जी। हैं क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं है ना तो बॉडी के डेफिशिएंसी के कारण हमको ये तकलीफ हो रही है तो फिर हम उसको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन देते हैं तो जब ये हार्मोन देते हैं तो मान लो कोई लेडी ले रही है और अब फंक्शन हुआ दो चार दिन भूल गई तो दो चार दिन ढुल गई तो क्या होगा उसको ब्लीडिंग हो जाएगी अच्छा उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है तो हार्मोन जब कोई ले रहा हो कोई हाँ। ले रहे हो अगर हम उसे स्किप कर दें तो हाँ। भी एक चांसेस हाँ। होते चांस बिल्कुल बिल्कुल ओके okay. तो ये भी कारण रहता है तो बहुत सारी महिलाएं तो हमारे पास इसलिए आती हैं अच्छा जी आप जब उनसे पूछो कि भाई आप कोई टेबलेट ले रहे थे हाँ हाँ मैडम ले तो रहे थे हम वो टेबलेट हमारे यहाँ फंक्शन था ना तो हमने वो लिया ही नहीं

वो मेमोग्राफी जरूर कराना चाहिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है चालीस साल में बेसिक इन्वेस्टिगेशन मेमोग्राफी कराना ही चाहिए वैसे अगर मान लो किसी की हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर की तो वे 35 इयर्स में कराना चाहिए लेकिन कराना ही चाहिए फैमिली हिस्ट्री मतलब घर में इमीडिएट घर में किसी हाँ, को अगर सिबलिंग्स को siblings किसी को।, को भी अगर कैंसर है आपके सगे जो फर्स्ट रिलेशन जो कहलाते हैं फर्स्ट सेकंड नहीं जो फर्स्ट रिलेशन जैसे हुए हुँ? अच्छा आपके जी की तरफ के है ना तो फिर चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं मतलब घर में अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो फिर मेमोग्राफी जरूर कराना चाहिए वैसे ही रूटीन कराना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ तो ना तो कोई डॉक्टर से कराते डॉक्टर से नहीं कराते तो बाकी और कौन जी मैंने यही पढ़ा था कि आ, बाहर के विदेशों में एक जो महिलाएं जो लड़कियां रहती हैं वो अपना हाँ? नॉर्मल चेकअप बहुत करवाते हैं हाँ। इंडिया में ये चीज़ बहुत कम देखी गई और पाई गई है लेकिन यूजुअली हमें नॉर्मल चेकअप्स जैसे आपने बताया पेप्समेर्स हैं एच वायरस हाँ। के टेस्ट हैं मेमोग्राफीज़ हैं ये सारी चीज़ें हमें एक रूटीन तौर पे करवानी चाहिए हाँ। यही फ़र्क है हमारे यहाँ और बाहर में जी। बाहर भी कैंसर होता है ऐसा नहीं कि कैंसर नहीं होता है वो तो यहां होता है लेकिन वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है क्योंकि हेल्थ है। जी। हेल्थ अवेयरनेस अवेयरनेस है तो इस प्रोग्राम के द्वारा अगर दर्शक थोड़ा सा जागरूक हो तो बहुत ही अच्छा कि हमारे देश में भी जो कैंसर अर्ली स्टेज में अगर पकड़ लें तो बहुत अच्छा होता है उनकी ट्रीटमेंट बेटर हो सकती है ट्रीटमेंट बेटर हो सकती है बाद में तो फिर बहुत मुश्किल होता है जी 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 तो मैम ये कुछ बातें रही कि ये क्यों होता है तो इनकी जांचें भी इनके अलावा भी कुछ है जैसे हमने एंड ऑल बात की है तो पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग में और कुछ रूटीन जांचें भी हम करवाते हैं हाँ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग अगर हुआ तो मतलब एक डाउट आना चाहिए इसे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए नॉर्मल बिल्कुल, भी नहीं, चाहिए। हुँ, हुँ, बिल्कुल हुँ, भी नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि हुआ है ठीक हो हाँ, जाएगा ऐसा नहीं तो पेप स्मेयर तो कराए ही जी। और उसके साथ सोनोग्राफी कराते हैं तो मेनली जो एक कॉज होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जिसको कहा जाता है कैंसर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा वो पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग में ज्यादा होता है और ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तभी होगा भी, इस है तो भी भी, इस भी बहुत खतरनाक होता है तो कभी कभी तो लोग बहुत ज्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं कि स्पॉटिंग हुई तो क्या फर्क पड़ता है लेकिन उस समय भी जांच जरूर कराना चाहिए तो उस समय की जो बेसिक जांच होती है हुँ? उसको हम टीवीएस कहते हैं मतलब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं नीचे से अगर किया जाए सोनोग्राफी एक तो ऊपर से किया जाता है जिसको सोनोग्राफी है। कहते हैं, और एक नीचे है। दोनों ही हैं। हाँ, दोनों हैं। लेकिन जब नीचे से करते हैं तो ज्यादा अच्छे से जेनेटल ऑर्गन्स देख सकते हैं क्लियरली समझ हाँ हाँ तो अगर जैसे एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है ये वाली लाइनिंग ये इसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहा जाता है ना ये जो डार्क जो मैरून कलर की रेड कलर की है ना तो ये अगर मेनोपोजल पेशेंट्स का या लेडी का कहो तो लेडी का अगर देखेंगे तो ये थ्री टू फाइव मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है नॉर्मल नॉर्मल जी और अगर सोनोग्राफी में इससे ज्यादा आ रहा है तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम okay. है okay. तो थ्रू सोनोग्राफी हम ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस थिकनेस पता, पता चल जाती है, है, है पता है, चल जाता है तो कभी भी किसी भी महिला को ये इग्नोर नहीं ही करना चाहिए जब भी हो तो ध्यान दें और डॉक्टर अपने आप ही सोनोग्राफी कराएगा हमारे पास अभी ही परसों दो चार दिन पहले अभी एक फ़ोन आया और वो महिला हमारे पास पहले भी आई थी अभी वो हैदराबाद से उसका फ़ोन आया था तो एक साल बाद लगभग उसको स्पॉटिंग हुई थी आफ्टर हाँ आई तो हमारे पास चेकअप के लिए आई तो हमने उसको बोला कि आप चेकअप कराओ सोनोग्राफी कराओ और अपना पेप स्मेर सारे टेस्ट कराओ तो उसने कहा मैडम अभी उसने मुझे बताया मैडम आपने दवाई दी थी ना तो ठीक हो गया था तो हमने नहीं कराया Oh, हाँ, वो री ठीक हुआ होगा टेम्परेरी मतलब स्पॉटिंग जब कुछ स्थाई नहीं हाँ, तो हमने ऐसे ही उसको दे दिया होगा कुछ की लेकिन जांच जरूर लिखी होगी अब उसने सोचा कि वो तो ब्लीडिंग तो हो ही नहीं रही है तो हम क्यों जाँच कराएं हाँ, मतलब उस खतरे को समझते ही नहीं है इंडिया में इतना इग्नोरेंस है जबकि हमने उसकी काउंसलिंग भी की थी समझाया भी था हाँ, तो भी उसने नहीं किया अब उसको तीन साल बाद वो हैदराबाद में उसका फोन आया कि मैडम हमको तो अब ब्लीडिंग हो रही है फिर से और एक बार हुई चीज तो अब हाँ, एक बार हुई। साल पहले और अब उसने सोनोग्राफी भी नहीं कराया कोई जांच नहीं कराई अब हैदराबाद से उसका फोन आ रहा है कि मैडम ये ये जांच है अब मैंने कहा तुरंत गायनकोलॉजिस्ट को दिखाओ तो उसने दिखाया अब उसके बाद उसकी जो एंडोमेट्रियल उसने सोनोग्राफी कराया उसकी जो थिकनेस जो हो गई अब उसको फिर से ब्लीडिंग बंद हो गई ब्लीडिंग बंद हो गई लेकिन एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा हो गई है इसमें उसने किसी जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया होगा तो जनरल प्रैक्टिशनर को नहीं रहता है। हाँ। बेटर तो है। दर्शकों से हम ये अनुरोध जरूर करेंगे कि जब भी पोस्ट ब्लीडिंग हो तो आप किसी जनरल डॉक्टर को ना दिखाएं किसी गाएक। किसी गायनोकोलॉजिस्ट को ही दिखाएं और जिसको इसके बारे में नॉलेज हो एक्सली थोड़ा सीनियर हो जिसको पता हो कि दि वास्तव में इसकी डिटेल क्या होता है तो उसने किसी जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया होगा फिर से सोनोग्राफी कराया और फिर था तीन से चार मिलीमीटर जो नॉर्मल थिकनेस आपको अब बताइए अब उसने बोला मेरी फिर से ब्लीडिंग बंद हो गई मैं कुछ नहीं कराऊ क्या अब बताइए इतना इग्नोरेंस है हमारे यहाँ अब वो कुछ तो खतरा होगा हो सकता है वो कैंसर ना हो ऐसा हम नहीं कहते नहीं। लेकिन अगर एक परसेंट भी चांस कैंसर का रहता है तो खतरा तो है ही ना जी पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग में मुझे लगता है डॉक्टर भी पहले यही रूल आउट करते होंगे कि कोई मेजर चीज तो नहीं है हाँ। सबसे पहले वो यही हाँ। उसके लिए करते हैं।, हैं।, हैं तो एक तो सोनोग्राफी कराते हैं अब जैसे मान लीजिए ज्यादा ऐसे सोनोग्राफी में कुछ तकलीफ आती है तो फिर और छोटी छोटी और भी कुछ जाँचें होती हैं क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है तो एक उसको कहा जाता है हिस्ट्रोस्कोपी अच्छा हिस्ट्रोस्कोपी हाँ जैसे मान लीजिए अब ज्यादा आ गया ना तो अब फिर क्या करेंगे ट्रीटमेंट हाँ

ये एक बहुत इजी होता है आउटडोर में हो जाता है कोई जरूरी नहीं है कि बड़े ऑपरेशन थिएटर में हो बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत सिंपल सी जांच होती है तो ये कराना चाहिए और अगर इसमें फिर कुछ निकलता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है जी 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 तो पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग अगर बेनाइन निकल रही है जिसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कंसर्न नहीं है तो ट्रीटमेंट्स कुछ होते हैं या क्या ट्रीटमेंट करते हैं अगर ऐसी महिलाएं आती हैं जो पोस्ट मेनोपोजल जो ब्लीडिंग होता है जो उसका जो ट्रीटमेंट होता है कॉज के अनुसार होता है जी मान लीजिए कि जैसे वेजाइना है उसमें सेनाइल वेजीनाइटिस मतलब है ना कि छोटे छोटे क्योंकि सूख जाती है ना सेल्स जिसको कहें कि सूख जाती हैं जब सेल्स सूख जाती हैं तो उससे थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है तो उसका कारण जो होता है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होता है तो फिर ऊपर से थोड़ा सा वगैरह किया जाता है और अगर उसको कैंसर का खतरा नहीं है नहीं। तो फिर उसको वो दवाई दी जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है मान लीजिए कोई गठान के कारण है तो वो गठान निकाल दी जाती है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है और अगर कैंसर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है मान लो बायोमेट्रा है है ना इन्फेक्शन तो जो कारण आपने बताए बताया कारण जैसा कारण उसका वैसे ही उसका इलाज करते हैं और अगर 10 परसेंट जैसा कि आपने पहले बताया है तो वो भी डिपेंड वो फिर ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं या एक्चुअली एक मेजर कंसर्न हो जाता है हाँ। नहीं पॉसिबल तो है अब उसमें जैसे बताए कि मान लीजिए कुछ रिपोर्ट आती है है ना और रिपोर्ट भी वो ऐसी नहीं कि आप किसी को दिखाओ एंडोमेट्रियल बायोप्सी कोई जनरल किसी को नहीं दिखाओ उसको समझ में नहीं आता है है ना क्योंकि उसमें अलग अलग वेराइटीज़ की रिपोर्ट आती हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन करना है अच्छा। और कोई जरूरी भी नहीं है कि ऑपरेशन करो ही आजकल प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है ना आईयूडी जैसे होता है ना उस तरह हार्मोनल ऐसे डिवाइस होती हैं कि वो अंदर नीचे से रख दिया जाता है मान लो कुछ खराबी आती है और कैंसर नहीं है हुँ, हुँ। कैंसर नहीं है लेकिन कुछ खराबी आती है कि जो ये एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत बढ़ गई है तो उससे भी ट्रीटमेंट हो सकता है और अगर डाउट होता है कैंसर की कोई स्टेज आती है तो अर्ली स्टेज बिल्कुल शुरुआत स्टेज में मान लो पता लग गई तो फिर तो यूट्रस निकाल दिया जाता है जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं हिस्टरेक्टॉमी अच्छा वो पूरा निकाल लिया हाँ तो है। उसका नाम होता है हिस्टरेक्टॉमी तो ये होता है मान लो वो बाहर बढ़ गई है, है ना कि सिर्फ लाइनिंग में नहीं है और भी बाहर तो चला गया है, किया जाता है। फिर और बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं फिर उसको कैंसर सर्जन भी ऑपरेशन करता है जिस तरह से ऑपरेशन होता है अच्छा तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी और एक बहुत ही फेमस सेइंग है जिसमें कहा भी क्या है कि माइंड के नॉट एन आइस के नॉट सी वॉट माइंड डजेंट नो जो चीज़ हमें मालूम ही नहीं है शायद उस बारे में हम समझ भी नहीं आ uh, सकते हैं और जानकारी के अभाव में स्पेशली इंडियन फीमेल्स की ऐसी हैबिट hmm. भी होती है कि वो अपने आप को सेकेंडरी ही रखती हैं उनकी प्रायोरिटीज़ में हमेशा उनकी फैमिलीज़ आती हैं या उनके आसपास के लोग आते हैं लेकिन आज जिस तरह से हमने बात की है पोस्ट मेनोपोज ब्लीडिंग में ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमने इसे अवॉइड किया अगर हमने इसे टाइमली किसी भी डॉक्टर को दिखाया नहीं तो ये शायद बड़ा होकर एक हमारे लिए ही इशू हो सकती है और शायद हमारे आसपास फैमिली वालों के लिए भी एक बड़ा इशू हो, हो सकता है तो वो टाइमली ट्रीट करना ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी, जरूरी। जाँच करके ट्रीट करना बहुत जरूरी है exactly. इसे हम अवॉइड कर सकते हैं या जैसे लाइफ का कुछ इसमें रहता है हाँ, लाइफ स्टाइल का, का ही बहुत बड़ा रोल है क्योंकि एंडोमेट्रियल जो कार्सिनोमा है वो जो होता है वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को ज्यादा होता है जो कि आजकल बहुत हाँ, मोटापे में ज़्यादा होता है जिसको डायबिटीज़ है जिसको हाइपरटेंशन है उन लोगों उसको हाई रिस्क केस हम कहते हैं अच्छा और लो रिस्क केस मतलब कि दुबले पतले हैं तो अगर उसमें हो भी गया तो ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है हाई रिस्क में ये संभावना ज़्यादा होती है कि एंडोमेट्रियम तो लाइफ अगर हेल्दी लाइफ है हेल्दी फूड कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि कैंसर प्रिवेंटिव होते हैं शुगर कम लेना चाहिए कहते हैं ना जो इन्फेक्शन होता है एक इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा कॉज होता है कैंसर का क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर कहीं भी है तो उसे कैंसर होता है तो शुगर अगर हम अवॉइड करते हैं जी, तो एक तो वेट भी कम होता है और इन्फेक्टिव जो एजेंट होते हैं वो भी ग्रो नहीं करते हैं शुगर कैंसर के लिए आप इन जनरल इन जनरल इन जनरल भी है लेकिन वो कैंसर प्रिवेंट करता है शुगर कैंसर हाँ शुगर मतलब नहीं लेना तो, चाहिए मान लीजिए एक बार हो भी गया है तो फिर वो उसे आ, मतलब प्रिवेंशन होता है और कुछ ऐसे जो सीड्स होते हैं है ना वो भी कैंसर प्रिवेंटिव होते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की मेन हम बात करें बाकी तो

आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग आपका बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू नमस्ते पोस्ट मेनोपजल ब्लीडिंग आज के विषय में हमने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और uh, जैसा कि मैम ने हमें बताया है कि इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए दो नाइन्टी परसेंट ऑफ द केसेस में कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं होती अपने आप ठीक भी हो जाती हैं लेकिन अगर दस परसेंट केस में हम निकल गए तो ये ट्रीट करना भी कही न कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता है तो टाइमली इन्वेस्टिगेशन कराना टाइमली अपने डॉक्टर्स के पास जाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है 45 वर्ष की उम्र के बाद अगर मेनोपॉज या मेनोपॉजल ब्लीडिंग हमें स्पॉट भी हो रही है तो हमें डेफिनेटली अपने नियरेस्ट कानेकोलॉजिस्ट को ये दिखाना चाहिए थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपके साथ फिर नई श्रृंखला नए एपिसोड के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं ओम शांति नमस्ते नमस्कार